हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है पार्ट फोर एक्सरसाइज 2.1 चल रहा था। इसमें दो क्वेश्चन हो भी गया था तो हम जो थर्ड क्वेश्चन पर पहुंचे हैं तो इसके आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन पेज 31 एंड एक्सरसाइज 2.1 का कह रहा है इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलॉन्ग द डायगोनल्स इज द सेम इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। एक जो है स्पेशली स्क्वायर दिया हुआ है, आप साइड में ऐसे इसको बना सकते हैं। थोड़ा तो चेक करना था, ये है मैजिक स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है 4/11, 9/11 ऐसे सब दिए हुए हैं इसमें। 4/11 ये 11 है, ये है 9/11, 2/11 ये 3/11 है, 5/11, 7/11, 8, 1 and 6, ठीक है ये दिया हुआ है। अब इसको मैजिक स्क्वायर चेक करना है। सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो रो कॉलम एंड डायगोनल, ये दो तीन चीजें थोड़ी सी नई दी हुई हैं। इस तरह अगर कोई लाइन जा रहा है तो यही रो होता है, नीचे जा रहा है एक कॉलम होता है। अगर क्रॉस में जा रहा है ये डायगनल होता है। ठीक है, यही इसमें मेन चीज है, बाकी तो एडिशन है, सम करना है। आप चेक करिए रो, रो का मतलब क्या है, ये और ये ऐसे जा रहे हैं यहां से 4/11, 9/11, 2/11 चेक कर लीजिए, फिर ऐसे जाएंगे ये चेक कर लीजिए, फिर ये चेक कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। इसके बाद ऊपर से इधर से चेक कर लीजिए, इधर से एक कॉलम हो गया, फिर डायगनल दो डायगनल होता है, एक इधर से ये डायगनल है, दूसरे इधर से ये डायगनल है, बस ऐड करके चेक करिए। अगर सब जो है आपस में इक्वल है तो यही मैजिक स्क्वायर है और इसका आंसर अपना वही हो जाएगा। अगर नहीं इक्वल है तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका और रो कॉलम एंड डायगनल। ठीक, तो ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, से आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये कह रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरिमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, ये स्पेशली होमवर्क में दे देंगे। ये है रेक्टेंगुलर शीट है और रेक्टेंगल्स में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और ये एंगल 90 डिग्री होता है। अब जो है एक एंगल 90 है तो सारे 90 हो जाते हैं इसमें, तो ये 90, ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया। तो ये जो है पेपर की शीट है, स्पेशली रेक्टेंगुलर के शेप में है, आप यहाँ लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर पेपर शीट, ठीक है, ये जो है और जो पेपर शीट है वो रेक्टेंगल के शेप में है। एल एंड बी लेंथ दिया हुआ है 12/2 सेंटीमीटर, यहाँ ये ऐसे दिया हुआ है, एंड जो ब्रेथ है 10/3 सेंटीमीटर, ठीक है, सब मिक्स्ड में दिया हुआ है। आप इसको इम्प्रॉपर बना सकते हैं, पेरीमीटर पूछ रहा है इसका, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये एल है और ये बी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट रेक्टेंगुलर शीट पेपर शीट 2(l+b) लेंथ और ब्रेथ का सम लेके उसका हम डबल कर देंगे, इसी पे सॉल्व कर लीजिए। 2 × l है 12/1/2 वैसे भी लिख रहे हैं एंड ब्रेथ है 10/2/3, आगे चले इसको लेके 2, इसे जो है इम्प्रॉपर में चेंज करिए, 12 × 2 = 24 + 1 = 25.2 प्लस 10 × 3 = 30 + 2 = 32/3, यही है। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके आगे का काम आपका रहेगा और ये ओवरऑल होमवर्क हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है
और रेक्टेंगल का जो है रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ए बी ई द रेक्टेंगुलर सेकंड पार्ट है, ये होमवर्क हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। कह रहा है सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। एक फ्रेम है इस टाइप का, मान लो फ्रेम, ये फ्रेम दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। इस फ्रेम में वो कोई एक तस्वीर है, पिक्चर है, इसको उसमें सेट करना चाह रहा है। ये थोड़ा सा सीधा कर दीजिए इसको, ऐसे है, ठीक है। अब इस फ्रेम में एक पिक्चर जो है वो क्या कर रहा है, वो सेट कर रहा है। द पिक्चर इज 703/5 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर है विद अ पिक्चर, ये है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर, ठीक ये दिया हुआ है, इसे सेट कर लीजिए, थोड़ा सा इम्प्रोपर बना लीजिए। 7 5 = 35 + 3 = 38/5 सेंटीमीटर। दूसरा है टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। इसमें क्या है ना, जो ये पिक्चर है इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है, किसके कंपेयर में, इस फ्रेम, फ्रेम के बाहर जा रहा है वो, हो सकता है बाहर निकल जाए, तो उसको थोड़ा सा क्या करना, ट्रिम करना पड़े, मतलब उसको फोल्ड करके उसमें सेट करना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए पहले जो है स्पेशली फ्रेम का, टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7, मीन्स क्या इससे अधिक नहीं हो सकता है 7 होल 3/10 से, क्योंकि अधिक होगा उससे ज़्यादा जो है नहीं फोल्ड हो सकता है। तो ये कह रहा है इसे आप सेट करिए, क्या दिया हुआ 7 होल 3/10 कैन नॉट बी मोर देन सेंटीमीटर वाइड, टू फिट इन द फ्रेम, ये है 7 होल 3/10 सेंटीमीटर, ये विथ है, इससे अधिक विथ जो है स्पेशली जो है पिक्चर का, सॉरी फ्रेम का, जो नहीं हो सकता, मीन क्या ये पिक्चर जो है इस फ्रेम से बड़ा है, इस पिक्चर को ट्रिम किया जा रहा है, फोल्ड किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, बट जो है इसकी साइज क्या है, एक तरह से इस पिक्चर को इसी साइज में ही लाना है, तभी वो इसमें सेट हो पाएगा। तो इसके लिए कह रहा है हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। अब ट्रिम का मतलब क्या है, इसे आप थोड़ा सा चेक करिए क्या है, ये 10 7 70 + 3 73/10 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। अब डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसमें से किसको निकालेंगे, तो नॉर्मली आप इस चेक कर लेंगे, तो इसमें जो छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा, अगर ये अगर इस क्वेश्चन से थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो पा रही अगर कि कौन सा किसमें फिट करना है, तो इसमें कुछ नहीं है, सीधे सीधे आप समझिए दो चीज़ें दी, एक फ्रेम दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है। अब इस पिक्चर को जो है इस फ्रेम में सेट करना है, बट क्या हो रहा है, ये पिक्चर थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा है तो उसको थोड़ा सा फोल्ड करके इसमें एडजस्ट करना है। अब इसमें यही पूछ रहा है कि जो फोल्ड वाला पोर्शन है कितना उसमें हम ट्रिम करेंगे, उसी का जो है पोर्शन बताना है, तो इट मीन्स डिफरेंस निकालना है। तो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, तो आप लिख लीजिए द पिक्चर बी ट्रिम्ड इज इक्वल टू 38/5 -73/10, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। एलसीएम 10 हो गया, 5 पूजा उसे 38 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 8 16 6, 2 3 6 7, 73 डिफरेंस 3/10 सेंटीमीटर सीएम में। हाँ, मीन्स क्या है, इस फ्रेम में इस पिक्चर को सेट करने के लिए इस पिक्चर को मैक्सिमम 3/10 सेंटीमीटर ही ट्रिम कर सकते हैं, मतलब उसको छोटा कर सकते हैं तरह से, तभी वो इस फ्रेम में सेट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया, और इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं सेवेंथ एंड एट्थ, ये होमवर्क हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से, और जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, थोड़ा सा इसको भी हम जो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है,
अब हमारा जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, दो चीज़ें हैं स्पेशली, और या तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन और जो होल नंबर का फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन, इसे हम देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है और फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में आप एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। मान लो 1/2 × 3/5, दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, दोनों फ्रैक्शन का आपस में हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो कुछ नहीं है सिंपल वे में, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में, इसका जो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, अगर दोनों फ्रैक्शन है तो सिंपल तरीका हमारा यही है। तो यहाँ न्यूमरेटर 1/3 ऐसे अपॉन 2/5 हो जाएगा 3/10। अब इसके बाद अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, मतलब किसी एक नंबर से इसे आप कट कर सकते हैं, तो उसको करके छोटा कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। एक तो तरीका हमारा ये है। दूसरा एग्जांपल ये है, अगर कोई होल नंबर है इसे आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, इसका रिजल्ट क्या होता है, तो तब भी वही तरीका है, दो तरीका, आप यहीं से डायरेक्ट इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 हो गया, अब 2 × 1 में से 2 हो गया, एक आंसर तो यही हो गया। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं, 4 × 1/2 है, तो दूसरा तरीका यह है अगले स्टेप में, इस 4 को अपॉन 1 करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए 1/2, और फिर वही काम कर लीजिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, 4 × 1 = 4 / 2 = 2, इसे कैंसिल करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारा स्पेशली प्रोडक्ट है, ऐसे कर सकते हैं। इसमें कुछ फिगर का आता है क्वेश्चन, जैसे क्या है स्पेशली थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। उसमें ये है कि जैसे मान लीजिए 2 + 2 + 2 ये होता है 6, इट मीन्स क्या है 2 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी 6 आ जाएगा। इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए एक हमारा बॉक्स, ये इस मान लीजिए जो इस टाइप का फिगर है ऐसे, इसमें से 1 रीजन शेडेड है, इसका भी इसका भी, ये कितना होगा ऐसे दिया हुआ है। तो पहले इस रीजन को आप चेक कर लीजिए, इस रीजन की वैल्यू क्या दी हुई है। देखिए इसमें 4 पार्ट्स है, नीचे आप 4 लिख लेंगे, शेडेड रीजन का ही निकालना है, 1 शेडेड है तो 1/4। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, ये भी वही है, अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 / 4 = 16 हो जाएगा। इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जो है और इसमें ये आएंगे आगे, तो हम थोड़ा सा इसको इंट्रो करा दिए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, और इसके बाद जो कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज आएगा तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियोज में लेके आएंगे, और फिर जो है उस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। और ये हमारा ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जो पिछला एक्सरसाइज था काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज था, बाकी सारी चीज़ें हम जो नेक्स्ट वीडियोज में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।